मुरादाबाद के पांच सितारा होटल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ की गई मारपीट के बाद हुए मुकदमे से आहत मीडिया कर्मियों ने आज अंबेडकर पार्क में अखिलेश यादव की सद्बुद्धि के लिए विधि विधान से एक हवन किया, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ ईश्वर से प्रार्थना की गई कि भगवान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दें, जिससे वो समस्त पत्रकारों के साथ अच्छा व्यवहार करें। दरअसल 11 मार्च को मुरादाबाद के पांच सितारा होटल में सपा द्वारा आयोजित अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों से वो विचलित हो गए थे, जिसके दौरान उनके इशारे पर उनकी सिक्योरिटी और सपा कार्यकर्ताओं ने दर्जनों पत्रकारों के साथ अभद्रता और मारपीट की थी, जिसमें कई पत्रकारों को गंभीर चोट लगी और फ्रैक्चर तक हो गए। इस प्रकरण में पत्रकारों ने अखिलेश यादव और उनके लोगों के खिलाफ थाना पागवाड़ा में मुकदमा भी दर्ज कराया था, तो वहीं सपा द्वारा भी दो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस पूरी घटना से आहत पत्रकारों ने आज सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में अखिलेश यादव की सद्बुद्धि के लिए हवन आयोजित किया, जिसमें विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सद्बुद्धि देना, जिससे वो पत्रकारों के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाए। इस अवसर पर विभिन्न अखबार और न्यूज चैनल के पत्रकार मौजूद रहे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार बंधुओं पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा एक सवाल पूछने पर हमला करा दिया गया था, जिसमें हमारे कई पत्रकार साथी घायल हुए, उनका उपचार चल रहा है। पत्रकार साथियों को सांत्वना देने और उनका हालचाल पूछने के बजाय समाजवादी ने उल्टा उनके ऊपर मुकदमा कायम कराने का काम किया है, जो बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को ईश्वर सद्बुद्धि दे, इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में एक यज्ञ का आयोजन किया। भगवान गणेश से हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु गणेश, आप अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि प्रदान करें और उनके आसपास ऐसे लोगों को निवास कराएं जो उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करें, ताकि समय रहते उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए और आगे से पत्रकारों के ऊपर इस तरह के हमले वो ना कराएं। यज्ञ में मुरादाबाद के सभी पत्रकार बंधु शामिल हुए और विधि पूर्वक हम लोगों ने यज्ञ किया, और ये यज्ञ मुरादाबाद से शुरू हुआ है। अभी हम लोगों ने इसमें पूर्ण आहुति नहीं दी है, पूर्ण आहुति पूरे हिंदुस्तान में यज्ञ शुरू हो जाएंगे, और जब अखिलेश जी माफ़ी मांग लेंगे तो इस यज्ञ की पूर्ण आहुति दी जाएगी। तब तक ये यज्ञ निरंतर चलता रहेगा पूरे हिंदुस्तान में।